नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। वन परिक्षेत्र मौना परिसर में जैव विविधता दिवस का आयोजन किया गया। वनों के बचाव के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वनों से ही हमारा जीवन संभव है। आज दिवस वन परिक्षेत्र मोहना परिसर में जैव विविधता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ा गाँव के छात्रों ने भाग लिया। बी के शर्मा सेवानिवृत्त SDO द्वारा छात्रों को वन, वन्य प्राणी के संरक्षण, संवर्धन, विकास एवं जैव विविधता के संबंध में रुचिकर एवं उपयोगी जानकारियां दी। रशीद खान थाना प्रभारी मोहना द्वारा छात्रों को वन जीवों के संरक्षण एवं अच्छे नागरिक बनने की समझाइश दी। कार्यक्रम के अंत में बच्चों द्वारा पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में सचिन गुप्ता वन परिक्षेत्र अधिकारी घाटी गांव दक्षिण, देवेंद्र लोधी सब इंस्पेक्टर मोहना, हेम सिंह मोरे प्रभारी वन चौकी मोहना, राधा कृष्ण रावत वन रक्षक, शिवम गुप्ता वन रक्षक, भुवनेश्वर राजौरिया वन रक्षक, लोकमन सिंह रजक वन रक्षक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। ग्वालियर से सूरज मलावरिया की रिपोर्ट। कार्यक्रम रखा गया है, किस उपलक्ष्य में रखा गया है और जो बच्चों बुलाए गए हैं उनको किस तरह की गाइडलाइन दी जा रही है? जैव विविधता का ये कार्यक्रम है, वर्ष में एक बार 22 मई को इसका दिवस मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में बच्चों को की जागरूकता बढ़ाने, चूँकि बच्चे जो है भविष्य के नागरिक हैं और ये जो भी संदेश हम लोग इनको इस मंच के माध्यम से दे रहे हैं वो अपने स्कूल में, अपने घर पे और फील्ड लेवल पे इसको फैलाएंगे और ख़ासकर वृक्षारोपण या वन संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण और सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन आदि के बारे में इनको मोटी मोटी जानकारी, जो कि बाल सुलभ दिमाग में घुस सके और जिससे भविष्य में ये उस रास्ते पर बढ़ सके, तो इसलिए ये दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस की शुरुआत कब हुई? 1993 में सितंबर में ब्राज़ील में एक कन्वेंशन हुआ था और जिसमें काफ़ी देशों ने भाग लिया था और फिर उसी तारतम्य में सन 2002 में इसके लिए संसद में नियम पास हुए, फिर स्टेट लेवल पे 2004 में नियम पास हुए। यह सर संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है? ये स्टेट में, मध्य प्रदेश स्टेट में मनाया जा रहा है, चूँकि ये इसमें भोपाल में जो हेड ऑफिस है वहाँ जो अपने सदस्य सचिव हैं उनके निर्देशन में जो भी गाइडलाइन आई है उसके अंतर्गत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जंगल से संबंधित इस कार्यक्रम में बच्चों को जैव विविधता संबंध में जानकारी दी गई है, जीवों, वन्य जीवों, उनके रहवास, उनके आचार विचार, उनके व्यवहार और किस प्रकार के मतलब पौधे अपने जंगल में पाए जाते हैं। और जैव विविधता के अंतर्गत ज़्यादातर क्या होते हैं, हम लोग पौधों को पहचान लेते हैं लेकिन जड़ी बूटियाँ जो हमारी प्राकृतिक प्राचीन धरोहर है वो आज लुप्त होती जा रही हैं, उनके बारे में बच्चों में जानकारी दी गई कि हमारे जंगल में जो सतावर है, गुलमार है और सलई गोंद है जिनका बहुत सारा वैद्य के रूपों पे होता है, वो सारी जड़ी बूटी जानकारी बच्चों को दी गई है। इस संबंध में हमने यहाँ जैव विविधता के अंतर्गत जो सदस्य थे, जो संगण करते थे, उनको भी इन्वाइट किया था, उन्हें बच्चों को बहुत सारी जड़ी बूटी के संबंध में जानकारी दी। आज जो फॉरेस्ट थाना क्षेत्र में जो कार्यक्रम हुआ है उसमें क्या क्या सिखाया गया? हमारे सरों ने हमें यहाँ पर आए थे तब हमें पेड़ लगाना, पेड़ों की सुरक्षा करना, जीव जंतुओं के बारे में बताना, उन्हें सुरक्षित करना और उन्हें हमें ये बताना कि वो हमारे लिए किस तरह आवश्यक है और हम कैसे अब जी हमारा जीवन सर्कल चल रहा है इस बारे में बताया है और भी बहुत कुछ बताया था सर ने। आगे इसी तरह जागरूकता बढ़ाओगे, पेड़ों के प्रति जिम्मेदारी रखोगे? यस सर, हम आगे सोचेंगे ऐसे ही, हमारे घर परिवार सबको बताएंगे कि सर ने हमें किस तरह से क्या बताया और आपको, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भी पेड़ लगाएँ, औरों को भी जागरूक करें।